सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही परेशान हो, बहुत ही चिंतित हो अपने एग्जाम डेट को लेकर के, आखिर में आपके एग्जाम कब होंगे, और बहुत सारे प्रशिक्षु इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं कि वो पढ़े कौन सा सेमेस्टर। 2019 बैच के प्रशिक्षु इसमें परेशान है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े या सेकंड सेमेस्टर पढ़े। इसी प्रकार से 2018 बैच के प्रशिक्षु परेशान है कि वो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें। तो इस स्थिति में दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आज आप सभी लोग को पता है कि आज 8 जून है और आज से पूरा देश खुल जाएगा। आप देख सकते हैं स्कूल व कॉलेज 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे। अब यहाँ पर एक स्थिति आ रही है दोस्तों ये कि अगर 15 अगस्त के बाद आप लोग के स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो आखिर आपकी परीक्षाएं कब होंगी। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर विडंबना है दोस्तों, किस तरीके से आप लोग का एग्जाम हो पाएगा। दोस्तों लगातार आप लोग के माध्यम से, आप लोग के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही है कि या फिर हम लोग को प्रमोट किया जाए या फिर हम लोग की एग्जाम या फिर हम लोग के एग्जाम सही टाइम पर करा लिए जाए। यहाँ पर आप देखिए प्रतापगढ़ की न्यूज है, डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश महामंत्री चिरंजीव त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार पटेल ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह को ज्ञापन सौंप कर अविलंब डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कराने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री शनिवार को कैबिनेट मंत्री के आवास पर मुलाकात की और कहा कि वर्ष 2019 बैच की परीक्षा नहीं होने से हम लोगों की पढ़ाई चौपट हो रही है। कैबिनेट मंत्री ने प्रशिक्षणार्थियों को जल्द परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये प्रतापगढ़ की न्यूज है। इसी तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार प्रशिक्षुओं के माध्यम से या फिर उनको एग्जाम में प्रमोट किया जाए या फिर उनकी परीक्षाएं कराई जाए, लगातार इस तरीके से मांग की जा रही है प्रशिक्षुओं के माध्यम से। ये देखिए डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश से जुड़े डीएलएड प्रशिक्षुओं ने विधायक कुशीनगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी व डायट प्राचार्य को पत्रक देकर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कराने व प्रथम सेमेस्टर का मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किए जाने की मांग की है। विधायक को पत्रक देते हुए मोर्चा के उपमंडल प्रभारी गोरखपुर व जिला अध्यक्ष कुशीनगर शिवम कुमार त्रिपाठी, जिला प्रभारी अमरुद्दीन, कार्यकारिणी सदस्य शिवम तिवारी, ऋषभ सिंह ने मांग किया कि उनकी समस्या मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंचाई जाए। प्रशिक्षुओं ने कहा कि 6 फरवरी 2020 को उनका प्रथम सेमेस्टर खत्म हो गया, कोरोना के चलते उनकी परीक्षा नहीं हो पाई, दूसरा सेमेस्टर भी 6 अगस्त 2020 को पूरा हो जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा कराई जाए या प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, जिस पर विधायक ने शिक्षा मंत्री से बात करने व डीएलएड प्रशिक्षुओं की बात शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में प्रशिक्षुओं ने डायरेक्ट प्राचार्य डॉक्टर मनमोहन शर्मा को भी पत्र सौंपा। इस दौरान डीएलएड प्रशिक्षु यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, डीएलएड 2018 बैच या फिर 19 बैच, दोनों बैच के प्रशिक्षु लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं या फिर करा ली जाए समय से या फिर उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि 2018 बैच का 2 साल कंप्लीट होने वाला है प्रशिक्षण का, आने वाली अगली 5 जुलाई को, और उनके थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर उनके एग्जाम नहीं लिए जाते हैं, तो अगर एग्जाम नहीं होते हैं या फिर ये कहिए कि लेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का नुकसान है और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का तो अभी कोई एग्जाम हुआ ही नहीं, ना तो फर्स्ट हुआ और सेकंड भी उनका, देखिए सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, 6 अगस्त को आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग के साथ भी बस वही सिचुएशन है, केवल 1 महीने का अंतर है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो प्रशिक्षुओं को अब लगातार इस तरीके से अगर प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं कि उनके एग्जाम करा लिए जाए या फिर उनको प्रमोट कर दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर अब जो खबर आज निकल के आई है कि 15 अगस्त के बाद सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं किस तरीके से हो पाएंगी, ये बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई है। यहाँ पर देखिए, कोरोना से डरे छात्र नहीं चाहते परीक्षाएं हो, ये स्थिति आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं की है। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे कह भी रहे थे कि मैम कोरोना का इतना डर है कि लगातार इसकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है लोगों की, तो इस स्थिति में हम लोग की परीक्षाएं आखिर में कैसे हो पाएंगी। तो ये दोस्तों गलत नहीं है, आप लोग जो चिंता कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। और इस स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों की परीक्षाएं अगर ना हो तो बेहतर है। और जिस स्थिति में अगर लग रहा है कि अगर 15 अगस्त के बाद सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो अभी आपकी परीक्षाएं दोस्तों जून माह में तो निश्चित रूप से नहीं होनी है, जो आपको हमने
पिछली न्यूज में बताया था उसमें जो निजी कॉलेज हैं उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि उनकी परीक्षाएं जून माह में करा ली जाएं, लेकिन शासन की तरफ से पीएनपी की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी हुआ है और पीएनपी की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर में आप लोग का एग्जाम कब होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तो आप लोग का एग्जाम नहीं हो पाएगा, जुलाई में भी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस स्थिति से लगातार जो स्थिति है कोरोना की वो बहुत ही खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बुला करके आप लोग का एग्जाम कराया जाएगा। और आप सभी को अच्छे से पता है कि एक एक सेंटर पर कम से कम 300-400 छात्रों का सेंटर जाता है, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर पर इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं और सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दूर दूर बैठाना इतना ईजी नहीं होगा और कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा भी रहेगा। इतने सारे लोग अगर इकट्ठा होंगे, मान लीजिए आप लोगों को क्लास में दूर दूर बैठाया जाएगा लेकिन गेट के बाहर या कहीं भी निश्चित रूप से एक ही, अगर वहां पर एक क्लासरूम या तीन क्लासरूम के लिए मान लीजिए एक टॉयलेट होगा, ऐसा तो देखने में नहीं आया। कम से कम एक साथ 8-10 क्लासरूम होते हैं तब जाकर कहीं एक या दो टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बच्चे एक साथ यूज तो करेंगे ही अगर दिन भर, क्योंकि आप सभी लोग की परीक्षाएं सुबह से लेकर के शाम तक, एक दिन में 3 पेपर होता है तो कहीं ना कहीं सभी बच्चे जाते ही है तो दिन भर परीक्षाएं होती है। तो स्थिति में अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं खतरा ही है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग के एग्जाम अभी नहीं होते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बेटर होगा। दोस्तों जो स्थिति है कोरोना की वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो दोस्तों अभी स्पेशली यहाँ पर कुछ भी कोई डेट बताना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि अब जिस तरीके से आप लोग लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि एग्जाम हो जाए या फिर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, तो अब दो में से एक ही चीज होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को लगातार आप लोगों के सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ, आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ा रही हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों को हमने पढ़ा दिया, सभी विषयों के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी करा दिए हैं। और आप लोग दोस्तों अब जिस तरीके से आप लोग हमें जो पढ़ाने को कहेंगे हम वही पढ़ाएंगे। आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर हम पढ़ा रहे हैं 2019 बैच का, 2018 बैच का फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं। अब अगर आप लोग जो कहेंगे हम वही पढ़ाएंगे और लगातार आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाएं या फिर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ाएं। 2019 बैच के प्रशिक्षु की बात कर रही हूँ और अगर 2018 बैच के प्रशिक्षु की बात करें तो उनको हम फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाएं या फिर थर्ड सेमेस्टर पढ़ाएं। दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करके हमें बताइए कि हम आपको कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करवाएं, क्योंकि हम लोग लगातार आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो करंट सेमेस्टर चल रहा है इसको भी कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि जो अभी आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है आप लोग उसी को पढ़िए। और जो स्थिति अभी बन रही है इसमें दोस्तों अब आप लोगों का एग्जाम हो पाना मेरे अकॉर्डिंग की बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं खतरा ही है अगर आप लोग का एग्जाम कराया जाता है जुलाई में। लेकिन अभी पीएनपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और लगातार आप लोग के तरफ से भी मांग तेज हो गई है कि प्रमोट कर दिया जाए या फिर हम लोग का एग्जाम ले लिया जाए। तो निश्चित रूप से पीएनपी जल्द ही कोई ना कोई निर्णय देगी और जैसे ही कोई न्यूज आती है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड कोई आधिकारिक न्यूज आती है हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से पूरे न्यूज को बताएंगे। बस दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ही बने रहे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।